नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव म्यूजिक एकेडमी में। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सरस्वती वंदना है, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो इस वंदना के ये कुछ बोल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये वंदना सुना देता हूँ, अगर आपने नहीं सुनी है। ठीक है, मेरी स्केल है एफ शार्प, आप अपनी स्केल के अकॉर्डिंग गाइए या फिर बजाइए। ठीक है, और जो ताल प्रयोग होगी वो है दादरा, यानी कि छह मात्रा की ताल। तो आइए एक बार सुनते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छः, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग गहरी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। शब्द तेरा तुमसे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, जानो का हमको इस संसार में ईशार दे माँ, ईशार दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे माँ। तो दोस्तों, आपने ये इस वंदना की कंपोजिशन सुनी। तो अब हम आते हैं इसको बजाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो स्केल है उसे आप पहचानिए। अभी ये एफ शार्प है। फिर जो नी प्रयोग होना है लो ऑक्टेव का, वो होगा नी कोमल, सा नी सा। मैंने आपको दादरा मात्रा की ताल, छह मात्रा की ताल आपको सुनाई थी अभी। इसमें एक दो तीन चार पांच छह कहां से उठाना है वो भी आपको पता लगा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा ध, ये हुआ हमारा नी कोमल जो लो ऑक्टेव का है, और ये हुआ हमारा सा, सा रे ग म प। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आपको जो नोटेशंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं रटने हैं। आपको अपने कानों से जो कंपोजिशन है, जो ओरिजिनल धुन है, उसको सुनना है, उसको समझना है, और उसके बाद उसको हारमोनियम या फिर पियानो या फिर कीबोर्ड और या फिर कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो आप प्ले कर रहे हैं उस पर निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर उंगली रखी, यानी कि जो मेरी स्केल है, तो वही काम आप कीजिए। जो आपकी स्केल है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जिसमें आप गा रहे हैं, कंफर्टेबल हो। हे शार, अब मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक ही सुर है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां पर स्थिर रहा। हे शार दे माँ, अब मुझे पता लगा दे, यहाँ पर मुझे हाई जाना है। हाई मतलब कि इस नोट से मुझे राइट साइड में जाना है। हे शार दे माँ, अब ये कैसे पता लगा कि इतना ही दूर जाना है मुझे? तो सीधी सी बात है, मैं आपको
पिछली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको एक एक करके ट्राई करते जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके बाद ये ट्राई करता हूँ, हे सारे, ठीक है। अब मान लो इसमें नहीं मैच कर रहा है तो अगले पे जाइए, हे सारे, थोड़ा सा रह गया है, हे सारे, यहाँ पर मैच कर गया, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव फीलिंग थी तो इसलिए सभी स्वर शुद्ध है, सा रे शुद्ध, ग शुद्ध, फिर म, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्राई करते जाना है। अब हम देखते हैं इसके नोटेशन, सा 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 मा रे सा नी, हे शार दे मा, सा 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 मा रे सा नी, हे शार दे मा, नी नी सा सा नी धा, नी नी सा नी सा सा नी धा। अज्ञानता से रे रे ग रे ग ग रे सा हमें कार दे मा, सारे 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 सा नी धा नी सा, सारे सा नी धा नी सा, ठीक है। एक बार फिर से सुनते हैं, हे शार दे मा, हे शार दे मा, अज्ञानता से हमें कार दे मा, अज्ञानता से हमें कार दे मा। तो ये हुआ इस वंदना का मुखड़ा, ठीक है, इस सरस्वती वंदना का मुखड़ा या स्थाई हम बोलते हैं। अब आते हैं इसके अंतरे पर, ठीक है। जो अंतरा आपको उठाना है वो उस स्केल के म नोट से उठाना है, सा रे ग म। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, मा मा ग प मा मा ही सिंपल है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक एक करके नोट्स ट्राई कीजिए। तू स्वर की, अब यहां पर सुर स्थाई था, मतलब एक जगह पर टिका था, इसलिए मुझे दो या तीन बार मैंने ये दबाया, तू स्वर की, यहां पर फिर लो हुआ, तू स्वर की देवी आ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा हाई गया, फिर वापस लौट के फिर नीचे आया, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, गा गा मगर रे सा, हर शब्द तुझसे, रे सा धा नी सा। फिर से एक बार सुनते हैं, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस अंतरे की पहली लाइन कवर होती है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजाला का हमको ये संसार दे मा, उजाला का हमको ये संसार दे मा। तो ठीक है दोस्तों, जो बाद में हमने बजाया उसकी कंपोजिशन सेम है जो मेन लाइन है, तो इसीलिए जो नोटेशन मैंने पहले बताई थी या फिर जो आप फॉलो कर रहे हैं अपने कानों से, वही आपको फिर से ट्राई करना है, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड अंतरा है उसकी कंपोजिशन भी सेम है, केवल लिरिक्स उसके उसके जो बोल हैं वो थोड़े अलग हैं, ठीक है, लेकिन जो धुन है वो सेम है, तो आप सेम धुन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्योंकि नी कोमल प्रयोग हुआ था तो
तो इसलिए ये थाट खमज में आता है। ठीक है, हम जानते हैं कि थाट खमज में नी कोमल का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें चंचल तरह की फीलिंग आई। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज अभी की अभी दबाइए, और पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकूं। और तो मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।